Now next question is number 3. Okay, let us see number 3 question. The ONO bond angle is maximum in NO3, NO2, NO2 minus NO2 or nitronium ion, NO2 plus. Let us see question number 3 solution. Let us start from NO2. Okay, NO2 का अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का और NO2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है. अगर NO2 में हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, NO2 ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिए रबर बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन कैन मेक टू बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन स्टेबल रहता है, ठीक है. अगर अब इधर एक और ऑक्सीजन चाहिए इसको, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक लोन पेयर होना जरूरी है, लोन पेयर. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ठीक से देखिएगा. नाइट्रोजन एक क्या है, ग्रुप 5A का एलिमेंट है. अब ग्रुप 5A एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया 5 होगा. देखिए दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ दे चुका है और इसका दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ देगा, तो फिर 2, 4, 5, 6, 7 ही हो पाएगा. NO2 एक ऐसा कंपाउंड हो गया जो ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, यहाँ पे क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इसके साथ. मतलब ये नाइट्रोजन अपना ही दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी, एक ही इलेक्ट्रॉन रह पाएगा यहाँ, ठीक है. दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, इस तरह से 4, 5, 6 देखिए 7 ही हो रहा है. ऑक्टेट पूरा नहीं होता इसका, एक ऐसा ही ऑक्टेट नॉट कंप्लीट, ठीक है. अब अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए 1, 2 और 3 ये लोन पेयर के हिसाब से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जो है बचा हुआ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसको भी लेना पड़ेगा, एक सिग्मा ये, 2 और इसको भी लेना पड़ेगा हम लोग. इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, sp3 और sp2 बनेगा. देखिए 1, 2 और 3 इस तरह से क्या हो जाएगा इसका, जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं NO2 में हम लोग देखेंगे इसका 1, 2 और 3 लोन पेयर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक लिमिटेड होता है, लिमिटेशन में आ जाता है ये जो कंपाउंड है, ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, जिसके वजह से अब इसका sp2 हाइब्रिडाइज ही आएगा. नाइट्रोजन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज क्यों हो जाएगा, अगर हम लोग दूसरे तरीके से भी अगर इसको चेक करेंगे, देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 5 हो गया इसका. देखिए टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये टोटल वैलेंस में देखिए ऑक्सीजन का 6, 6, 12, 12 और 5 कितना होता है, 17, तो 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि ऑड है. ऑड के केस में क्या कर लेते हैं हम लोग +1 करते हैं और उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, देखिए ना ऑड है 17, इसीलिए अगर 5+1 करेंगे, नाइट्रोजन का ही 5 है, 5+1 करके 6/2 भी करते हैं तो 3 आता है. 3 का मतलब हो गया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है. ये ऑक्सीजन के केस में ही होता है, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन एज ए पेरिफेरल एटम है उस वक्त हम लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर ऑड है तो हम लोग +1 करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं सिंपली. और एक सिग्मा वाला जो प्रोसेस है स्टेरिक नंबर वाला, वो तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है. एक सिग्मा वाला और लोन पेयर वाला जोड़ के हम लोग निकालते हैं, वो उससे भी ये निकल रहा है. और नेक्स्ट प्रोसेस ये भी है, किसी दिन हम इसके लिए भी वीडियो डाल देंगे नहीं. और कभी कभार चार्ज पे रहता, चार्ज के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है. तो आज हम लोग इसे दोनों ही प्रोसेस से क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है, ठीक है. अब नंबर 3 का ए हो चुका है, नहीं NO2 हो चुका. अब चलते हैं हम लोग NO2 प्लस में, ठीक है. अब NO2 प्लस का देखेंगे हम लोग, तो ये तो जैसे कहते सही रहेगा, NO2 है. अब प्लस क्यों है, कि यहाँ पे जो लोन पेयर था, देखिए प्लस का मतलब ये हो गया कि ये वैकेंट हो गया, यहाँ से यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता था जैसे यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये वैकेंट हो गया. तो अब हम लोग गिनेंगे तो क्या गिनेंगे, दो ही अगर हम लोग गिनेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा. अब ये लीनियर आ गया, देखिए दो ही सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, लोन पेयर है ही नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा. अब ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बनेगा,
वैकेंट हो गया ये, तो इसका देखिए सिग्मा बॉन्ड एक है, दो दो ही है, दो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दो स्टेरिक नंबर आते ही क्या हो जाता है, स्टेरिक नंबर दो आते ही क्या हो गया, टू के लिए हम लोग एस पी लिखते हैं, एस पी क्या होता है, लीनियर होता है। तो याद रखिए अगर एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है तो हो जाएगा 109 डिग्री, 109 और 28 मिनट वाला, ठीक है, और लीनियर है तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री बनाएगा, देखिए इस तरह से 180 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे स्टेरिक नंबर का जो वैल्यू आया क्या है, दो ही आ रहा है, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है ही नहीं, ये तो पाई बॉन्ड हो गया, एक एक सिग्मा एक पाई होता है, दो बॉन्ड में जब भी एक सिग्मा एक पाई होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, अब ये इसका भी 180 डिग्री आ गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम किस में होगा बॉन्ड एंगल, इसका तो 180 डिग्री के आसपास आ रहा है, और ये SP2 है जिसमें भी ये है, इस लोन पेयर की वजह से इसको थोड़ा कम कर देगा, तो 120 से ये थोड़ा कम ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हम लोग ये दो कंपाउंड देख चुके हैं, NO2 प्लस हो गया, NO2 हो गया, लेट अस सी NO2 माइनस, ओके। अब NO2 माइनस में अगर देखेंगे ये तो ऐसा ही रहेगा। अब माइनस बोलते ही क्या हो गया कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पहले होता था, अब दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ही इसको माइनस बोलेंगे, तो ही जाके ये माइनस होगा, ये लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो इससे भी कम क्या आएगा, रिपल्सन की वजह से इससे भी कम इसका आएगा बॉन्ड एंगल, लेस आएगा इस, एक्चुअली ये भी क्या हो जाएगा, एक दो और ये तीन है, तो ये भी एस पी टू ही है, ये sp2 hybridized है, ठीक है। ये दोनों का 120 के आसपास आएगा, ये 120 से कम आ गया, देखिए लेस देन 120 आएगा इसका एंगल, बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 120 होगा, क्योंकि लोन पे इसको और ज्यादा दबाएगा, जिसके वजह से लोन पे रिपल्सन विल जस्ट रिड्यूस द बॉन्ड एंगल, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से, ये इससे भी कम हो गया, ये 120 के 120 से थोड़ा कम होगा, ये और ज्यादा कम हो गया, और ये 180 डिग्री हो गया, बच गया हम लोग का NO3 माइनस, लेट अस सी NO3 माइनस, ओके। NO3 माइनस में देखिए एक तो यहाँ गाएगा, एक यहाँ बनाएगा, ठीक है, NO3 माइनस में एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेट अस सी सिग्मा और पाई, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, चार इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, NO3 माइनस बता रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, और एक जो बच गया, देखिए NO3 माइनस अगर है तो ये माइनस चार्ज यहाँ ऐसे रहेगा, देखिए यहाँ का चार पाँच छ सात आठ ऑक्टेट पूरा है इसका, ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए ऑक्टेट इज कंप्लीट, देखिए नाइट्रोजन के पास पांच, अपना पांच, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे चुका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, नहीं दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दो तीन चार पाँच तो हो गया, और टोटली अगर देखा जाए, देखिए यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो इसका जो अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्टेट पूरा है नाइट्रोजन का। अब अगर देखेंगे इसका क्या हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन, तो चेक कीजिए, एक दो तीन, तीन का क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 है, जो कि यहाँ लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं होगा तो ये इन लोगों से तो ज़्यादा ही होगा ना, NO2 से 120 डिग्री से ज़्यादा होगा, 122 से बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसका जो होगा बॉन्ड एंगल तो लगभग 120 डिग्री के आसपास ही होगा, ठीक है, क्योंकि sp2 आ रहा है, sp2 का 120 होता है, याद रखिए sp2 sp होता है 180 डिग्री, और sp3 होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, हम लोग 109.5 भी बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल sp3 को, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से अगर देखेंगे तो किसका ज़्यादा आ रहा है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली किसका ज़्यादा आ रहा है, तो ये लीनियर आ गया था, ये क्या आ गया है NO2, देखिए एक दो तीन, ये वैकेंट था, NO2 प्लस जो है वो क्या है, ठीक है, ये देखिए NO2 जो प्लस था, प्लस के वजह से क्या हो गया, इस लीनियर आ गया, लीनियर के वजह से 180 डिग्री हो गया, दैट मीन्स आंसर विल बी NO2 प्लस, NO2 प्लस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, ओके, 5 में क्वेश्चन क्या बता रहे, देखिए विच ऑफ द
सॉरी फाइव में फोर बाकी हम लोग, फोर इज लेफ्ट। फोर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किसका सबसे कम होगा देखना है। देखिए बी एफ टू एस टू है, एन एस थ्री और सी एच फोर है। शुरू करते हैं सी एच फोर से, ठीक है। लेटर सी सी एच फोर, सी एच फोर का कुछ इस तरह से देखिए, चार सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक लोन पे तो है नहीं। अगर चार सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक नंबर फोर आएगा, स्टेरिक नंबर फोर है, देखिए एस टी नंबर फोर है, दैट मीन्स इट इज एस पी थ्री, और एस पी थ्री है तो 109 डिग्री 28 मिनट और 109.5 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, सी एच फोर के बाद एन एच थ्री देख लेते हैं। एन एच थ्री का हम लोग नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। एन एच थ्री का क्या था, एस पी थ्री होता है लेकिन, एस पी थ्री होता है लेकिन क्या हो जाता है, ये लोन पेयर की वजह से, रिपल्सन की वजह से किसका बॉन्ड एंगल घट जाता है, दैट इज इक्वल टू 107 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं वाटर का, वाटर एच टू ओ, देखिए एच एच कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन में क्या है, चार पाँच छः दो लोन पेयर रहेगा, एक आपस में ये तो रिपल्सन करेगा करेगा, ये इसके साथ भी रिपल्सन कर रहा है, देखिए रिपल्सन यहाँ और यहाँ भी हो रहा है, जिसके वजह से देखिए यहाँ लोन पेयर एक ही था, यहाँ टू लोन पेयर्स। सो लेट अस सी इन क्वेश्चन नंबर फोर, वी कैन सी दैट द बॉन्ड एंगल ऑफ एमोनिया इज 107, ओके, वाटर इज 105 डिग्री बिकॉज इट हैज टू लोन पेयर एंड इट रिड्यूसेस द बॉन्ड एंगल फ्रॉम 107 टू 105 बिकॉज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ इज सेम, 1, 2, 3, 4, it has 4 steric number and it has also 4 steric number, that means both are sp3 hybridized, ये भी और ये भी sp3 क्या है, दोनों ही sp3 hybridized है। अब बात करते हैं हम लोग BEF2 का, BEF2 में क्या हो जाएगा, देखिए beryllium का जो outer most shell में electrons होता है दो ही होता है, और दो होता है तो दो ही bond बनाएगा ये, so it will have 180 degree, इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा, देखिए स्टेरिक नंबर हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, लोन पेयर तो है नहीं, सो इट हैज ओनली टू सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस द स्टेरिक नंबर वैल्यू विल बी टू, इफ इट इज टू देन इट इज लीनियर, और एसपी हाइब्रिडाइज हो गया, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसी का है। और यहाँ पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल किसका सबसे कम होगा, इट हैज विच हैज लीस्ट, दैट मींस वाटर हैज लीस्ट, it has 109, it has 107, it has 180, and the least is the bond angle of water, that is 104.5 or approximately 105 degree, okay. Now let us see number 5 mein kya pucha gaya, which of the following has bond angle close to 90 degree, to dekhi water ka 105 hai, aap dekh sakte hain, ye sara group 6 ka element diya gaya, dekhi group 6 a mein kya kya hai, oxygen, os, se, te, ठीक है, इस तरह से होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए सबसे ऊपर आता है ये सिक्स एम, और इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने और खींचता है, ठीक है, जिसके वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो ज़्यादा है। अब वही अगर हम लोग एच टू एस का बात करेंगे, देखिए एच टू एस का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो है लोन पेयर उतना ही रहेगा जितना वाटर के केस में था, ठीक है, यहाँ का सेंट्रल मैटम ऑक्सीजन है और यहाँ का क्या है सल्फर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब जिसके वजह से क्या हो जाएगा, अब ये जो है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा अपने ओर, तो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगा थोड़ा इससे दूर होगा, सल्फर से थोड़ा दूर होगा इधर, जिसके वजह से बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये घट गया दैट मीन्स बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो डिक्रीज, इसका मतलब अगर ये 105 है तो लगभग आसपास ये 90 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है यहाँ जो है बॉन्ड एंगल घट जाएगा, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज बिकॉज
You can see that the electronegativity of oxygen is more than that of sulfur. और ये जो है ग्रुप में जो होता है ग्रुप सिक्स ए का ऊपर से नीचे जैसे आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा क्यों क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन घट जाएगा देखिए ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन अपने आप खींच लेगा शेड पे इलेक्ट्रॉन खींचता है और जितना ये क्लोज आएगा ऑक्सीजन अपने आप अपने पास में रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा यहाँ पे जिसके वजह से रिपल्सन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स तो फिर रिपल्सन कम होगा और वो कम होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस अब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया तो बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा और इसीलिए H2O का ज़्यादा उससे कम इसका होगा बॉन्ड एंगल उससे भी कम इसका होगा उससे भी कम H2TE का होगा तो H2S का लगभग क्या आ सकता है इट विल बी नियरली 90 डिग्री H2S विल हैव नियरली 90 डिग्री ठीक है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि H2S का बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री आ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ H2S बॉन्ड एंगल इन F2O Cl2O Br2O क्या होता है पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग अगर ऑक्सीजन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं अगर फ्लोरीन को हम लोग ऊपर नहीं फ्लोरीन इधर नीचे डाल रहे हैं हम लोग तो गौर से हम लोग देख सकते हैं कि लोन पेयर कुछ इस तरह से रहेगा ठीक है लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन सेम है देखिए दोनों में लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन अगर हम लोग ऑक्सीजन का फिर सीएल सीएल करेंगे तो कुछ इस तरह से लोन पेयर बदलने वाला नहीं है और इसका अगर देखेंगे बीआर का देखिए बीआर लोन पेयर रिमेन्स सेम देखिए रिपल्सन भी उतना ही रहेगा लोन पेयर से यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है देखिए सेंट्रल एटम भी सेम है द सेंट्रल एटम इज सेम दैट इज ऑक्सीजन बट द पेरिफेरल एटम दिस इज नॉन एज पेरिफेरल एटम देखिए अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा तो बॉन्ड एंगल भी घट रहा था लेकिन जस्ट अपोजिट होता है क्या इसकी वजह से देखिए अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है सी एल बी आर से देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है फ्लोरीन का एफ सी एल बी आर इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है डिक्रीजेस तो सबसे ज़्यादा किसका आया फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4 सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का ही होता है प्रेडिक्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने और खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ गया फ्लोरीन की तरफ तो रिपल्सन जो है देखिए बॉन्ड पेयर रिपल्सन घट जाएगा इसके केस में ठीक है घट जाएगा और इससे भी कम हो जाएगा इसका नहीं इससे थोड़ा ज़्यादा इसका होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इसके ऑक्सीजन के पास ही रहेगा ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे पास हो जाएगा ऑक्सीजन के पास तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्यादा होगा रिपल्सन मोर ठीक है तो इसीलिए हम लोग पहला जो देखेंगे कि Br देखिए Br2O का सबसे ज्यादा आएगा फिर Cl2O का सबसे ज्यादा फिर F2O का सबसे कम होगा तो बॉन्ड एंगल कुछ इस तरह से होना चाहिए ऑर्डर क्यों पेरिफेरल एटम का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज हायर अगर हाई है तो उसका क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा देखिए इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच रहा है तो फिर क्या हो जाएगा Br2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा इसके सो इससे क्या कंक्लूजन में हम लोग आ रहे हैं कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा ठीक है सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बॉन्ड एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है ठीक है अब वही पेरिफेरल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है इसका मतलब अगर पेरिफेरल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा क्योंकि फ्लोरीन इसके केस में लिखिए फ्लोरीन अपने और खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के पास तो नहीं रहा तो रिपल्सन यहाँ तो ये डिस्टेंस बना लिया ना यहाँ डिस्टेंस जहाँ कम होगा वहीं ना ज़्यादा रिपल्सन होगा यहाँ डिस्टेंस कम है तो ऑक्सीजन के पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा, रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। इससे कंक्लूजन ये आ रहा है, ठीक है। सो प्लीज गो एंड वॉच बॉन्ड एंगल फर्स्ट पार्ट ऑफ माय ओके चैनल, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू विल सी दैट यू नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली दिस वीडियो।